Assalamualaikum. I am Anzar Jilani, teacher, GM School and Gaon, and I am going to teach you English of class 5th, and my topic is the fowler and the quails. And the quails, ये हमारा topic है, पहला topic. ठीक है, हाँ बच्चों सुनो. Once upon a time there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. A fowler who caught quails came to that place. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. He flung his net over them and whiffed the sides of the net together so as to get them all hurled up in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home. Okay? सुनो बच्चो, once upon a time there lived a quail. एक दफ़ा क्या हुआ था, एक दिन की बात है, एक ज़माना था कि एक क्वेल रहता था, ये बर्ड है, ये जंगल में रहता था. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जंगल को. ठीक है, जंगल, फॉरेस्ट जंगल. क्वेल जंगल में रहता था और उसके साथ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेल्स, बहुत सारे क्वेल्स उसके साथ थे. ये एक क्वेल उनका हेड था. ठीक है, A fowler who caught quails came to that place. Fowler किसको बोलते हैं, hunter को, जो शिकार करता है, जो शिकार होता है, वो उनकी जगह पहुंचा. A fowler who caught quails came to that place. उनकी जगह एक hunter पहुंच गया. Hunter किसको बोलते हैं, शिकार करने वाले को, उसको शिकार करना था. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. वो कोशिश कर रहा था क्वेलों की जैसी आवाज़ करना, नकल करना. क्वेलों की आवाज़ वो करता था, नकल करता था. इमिटेट मीन्स नकल करना, उस वही आवाज़ जिस तरह, मतलब जो क्वेल आवाज़ करता है, जो बर्ड आवाज़ करता है, जिस तरह से कौवा करता है, कौए, इसी तरह से क्वेल भी एक आवाज़ करता है. ये हंटर जो था, जो फाउलर बोलते हैं हंटर को, वो वहाँ पर आ गया तो वो उनकी आवाज़ करने लगा, क्वेलों की आवाज़, ताकि ये सब क्वेल्स मेरे सामने आएंगे. ही फ्लंग हिज नेट ओवर देम, और वो उन पे जाल बिछाना चाहता था. वो उन पे ही फ्लंग हिज नेट ओवर देम एंड वी पुट द साइड्स ऑफ द नेट टुगेदर सो एज टू गेट देम ऑल होल्डेड अप एंड हीप. वो उन पे जाल बिछाना चाहता था, जब वो उनकी आवाज़ करता था तो सब क्वेल्स वहाँ पहुँचे, और वो क्या क्या करना चाहता था, उन पे जाल बिछाना चाहता था. नेट मीन्स जाल, फ्लंग मीन्स उन पे वहाँ बिछाना चाहता था. देन ही क्रैम्ड देम इनटू हिज बास्केट, फिर वो क्या करता था, वो उनको पकड़ता था और अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में, बास्केट मीन्स टोकरी. ठीक है, बास्केट मीन्स टोकरी, और अपनी बास्केट में रखता एंड सोल्ड हिज प्रे फॉर अ लिविंग बिफोर गोइंग होम. और उनका वो गोश्त, जब उनको वो शिकार करना था, वो उनका गोश्त बेचता था, और जो उसको पैसे मिलते थे वापस आ जाता था घर, और पैसे लेकर वापस घर आ जाता था. ठीक है, ये आज का टॉपिक था. ठीक है बच्चों, आज इतना ही है. टुमारो आई विल रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक. ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़.